Very good morning to all of you. So, let us continue our discussion on entropy. So, what we have learned here in entropy. So, सबसे पहले हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था और वो एंट्रोपी डिफाइन किया गया था ds इक्वल टू dq ओवर t फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या जाना था कि चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन dq अपॉन t, ये था इरिवर्सिबल के लिए। फिर हम रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना एंट्रोपी चेंज होता है वो हमने जाना था। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब एंट्रोपी जीरो हो जाता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो हो सकता है। जब चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है इसका मतलब हुआ एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। वहीं हमने ये भी जाना था कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उस केसेस में एंट्रोपी जो आ रहा था dq ओवर t फॉर इरिवर्सिबल प्लस एंट्रोपी जनरेशन। और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है और ये एंट्रोपी जो जनरेशन है ये इरिवर्सिबल के लिए। अगर इरिवर्सिबल के लिए हमें निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, इसके जगह हम रिप्लेस कर दे रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते थे, जो इरिवर्सिबल की जगह हम लोग रिवर्सिबल मान करके तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। और हम जानते हैं जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो पॉजिटिव अगर ये निगेटिव हो करके सपोज माइनस वाई आ गया जो कि इसके क्वांटिटी के बराबर हो गया, तो उस केसेस में भी हमें क्या मिल गया था, जीरो। मतलब ये जो प्रोसेस हो गया वो अगेन क्या हो गया है, s इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हो गया कि ये जब हमारे पास, इसमें हमने क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि जब हमारे पास रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस था, रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस था, उसे हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। लेकिन जब प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो ये जरूरी नहीं है कि ये रिवर्सिबल और एडियाबेटिक ही हो।
मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक हमेशा आइसेंट्रॉपिक होगा, और आइसेंट्रॉपिक जो होगा वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल और एडियाबेटिक ही हो, आइसेंट्रॉपिक इरिवर्सिबल और नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस में भी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस हमें मिल सकता है। उसके बाद हमने जाना था कि हम लोग किस तरीके से टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे अ प्रोसेस को। तो हम जानते थे कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा ऑन टीएस डायग्राम व्हेन projected on entropy axis gives क्या देगा, ये हीट ट्रांसफर gives क्या देता है, हीट ट्रांसफर। मतलब TDS का जो, अगर TDS हमारे पास TS डायग्राम है तो उसका एरिया हम प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लेंगे एंट्रोपी एक्सिस पे, तो वो जो एरिया आएगा दैट विल रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर। उसी तरीके से हम लोग कार्नोट साइकिल को भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग इसको कार्नोट साइकिल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं टीएस डायग्राम। तो वो क्या दे देगा, अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते थे कार्नोट साइकिल में तो हमें मिलता था एक इस तरीके का प्रोसेस, जिसको कि 1 से 2 गया आइसोथर्मल, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक, 3 से 4 आइसोथर्मल, और ये 4 से 1 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। सो इस तरीके से हमने अभी तक एंट्रोपी में पढ़ा था। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, आप दोनों लिख सकते हो फॉर अ प्रोसेस। अगर हम फर्स्ट लॉ लिखना चाहते हैं तो ये देगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये क्या है, फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस हम इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड लॉ अगर हम एक प्रोसेस के लिए लिखते हैं तो वो क्या देता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस इज गिवन बाई डी क्यू अपॉन, जैसा कि हमने जाना था टी इक्वल टू डी एस, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर अ प्रोसेस। देयरफॉर इस इक्वेशन से डी क्यू कितना मिल जाएगा, टी डी एस के बराबर। अब अगर हम इस डी क्यू को इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। अब इस पे ध्यान दिया जाए कि ये एक ऐसा इक्वेशन मिल गया है जिसमें टेम्परेचर है वो एक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी है वो भी एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी है वो भी एक प्रॉपर्टी हुआ, पी है एक प्रॉपर्टी हुआ, और वी वॉल्यूम प्रॉपर्टी हो गया। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरियस प्रॉपर्टीज को ये रिलेट कर रहा है, और हम जानते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ से डिपेंडेंट नहीं होता है। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन हम किसी भी प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल के लिए हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट डाउन दिस. This equation is applicable to any process, चाहे वो reversible हो या इरिवर्सिबल हो. व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स वेरियस प्रॉपर्टीज. सो ये एक इक्वेशन मिल गया. अब हमारे पास एक आता है से, अब हमारे पास आ सकता है से, हमारे पास H इज इक्वल टू U प्लस PV है. H इज इक्वल टू U प्लस PV है. देयरफॉर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमें एंथैल्पी हमको पता है, तो एक टीडीएस इक्वेशन तो ये निकला, टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी. अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डीयू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी मिलेगा. और हम जानते हैं डीयू प्लस पीडीवी किसके बराबर होता है, डीएच इक्वल टू ये आ जाएगा डीक्यू के बराबर प्लस वीडीपी. और ये जो आ रहा है dq इज इक्वल टू नथिंग बट tds माइन प्लस vdp. देयरफॉर ये tds होगा. देयरफॉर tds इज इक्वल टू अगेन वी गेट गॉट th माइनस vdp. यानी tds का दो रिलेशन आ गया हमारे पास. कौन कौन सा? एक तो TDS is equal to DU plus PDV और दूसरा TDS is equal to DH plus DH minus VDP. The same thing, ये भी क्या होगा? Applicable to any process, applicable for any process. तो अगेन हम इसमें लिख सकते हैं कि this equation is applicable for any process. Why? Because it connects various properties. Because it connects various properties. So अब कुछ स्टेटमेंट जो बोला जाता है उस पे हम आपको एक अटेंशन दिलाना चाहेंगे कि जब भी आपको बोलना हो प्रॉपर्टी के बारे में तो हम लोग स्टेटमेंट, अगर हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी के बारे में बोलना है तो दो चीज ध्यान रखिएगा बोलते समय. हालांकि हम लोग गलत तरीके से जनरली आदत बना लेते हैं बोलने के लिए, हमेशा किसी प्रोसेस को ये नहीं बोला जाता है कि यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्निकली प्रोनाउंस करना गलत है. हम उसके जगह बोलेंगे कि चेंज ऑफ अ स्टेट इज इरिवर्सिबल. जो चेंज ऑफ अ स्टेट है वो इरिवर्सिबल है, ना कि इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है. So, आपको क्या बोलना है, से
चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट इज इरिवर्सिबल, चेंज ऑफ स्टेट इज इरिवर्सिबल। इसके बजाय ये नहीं कहना है, इसके बजाय ये नहीं कहना है नॉट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जनरली ऐसा आदत आप बना लीजिए तो बढ़िया है, लेकिन हम लोग जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस ही आदत डाल देते हैं। अब क्या है कि जैसा कि एक स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया था कि कोई भी प्रोसेस उस डायरेक्शन में होगा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सच दैट कि इनवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा, इनवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा। सो इनवर्स मतलब सिस्टम या सराउंडिंग का, सिस्टम एंड सराउंडिंग कंबाइंड टुगेदर। तो अगर हम बोलते हैं अ प्रोसेस ऑलवेज अकर कब व्हेन, ये इस तरीके से होगा इन सच अ मैनर, इन सच अ डायरेक्शन एज टू इंक्रीज टू काउच एंड इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के एंट्रोपी हमेशा बढ़ाएगा। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। So, हमने क्या क्या आज पढ़ा है कि कंबाइंड, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने कंबाइंड किया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये कहता है फॉर ए प्रोसेस, सेकेंड लॉ का ये बोलते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमने मर्ज कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। चूंकि ये सारा प्रॉपर्टी को कनेक्ट करता है, देयरफॉर इट इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली हम जानते हैं एक एंथैल्पी का डिफिनेशन कि सिंपली ये चीज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। हमने डिफरेंशिएट किया, सिंपली हमने डीक्यू, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, डीयू प्लस पीडीवी के जगह डीक्यू होता है, डीक्यू के जगह फॉर अ रिवर्सिबल अगर हो जाए तो टीडीएस हम लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, सारा प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहा है, देयरफॉर अगेन दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर वेरियस प्रॉपर्टी। उसके बाद कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो वो उसके कारण हमेशा इनवर्स का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, इनवर्स का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। सो हम इसको नेक्स्ट ड्राइंग में जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज। सो अब अगर हम आपका हम कंबाइन टुगेदर हम लिख रहे हैं एक जगह कंक्लूजन के रूप में, तो बताइए डी क्यू इज इक्वल टू DE plus DW अगर हम रखते हैं, DQ equal to DE plus DW, तो बताइए ये इक्वेशन किसके किसके लिए वैलिड होगा, ये इक्वेशन अगर हम इसको डब्बे में बंद कर देते हैं तो ये इक्वेशन किसके किसके लिए वैलिड होगा,
dq is equal to t plus dw. जैसा आप रिकॉल कर पाएंगे कि फॉर एनी प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल. दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि ये इसमें सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है. फॉर एनी सिस्टम चाहे वो क्लोज सिस्टम हो और ओपन हो, ओपन सिस्टम हो और क्लोज सिस्टम हो, ये हमने जाना था. दूसरा, अब हम क्या करते हैं, ये जो एनर्जी है उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, dq is equal to, ये जो एनर्जी dE था उसमें को हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है और इंटरनल एनर्जी. हमने जैसे इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी के रूप में बचेगा. तो ये अगर हमारे dE के जगह dU आ गया और हमने dW रखा है, तो बताइए ये d इक्वल टू dW कब लिखते थे, dE इक्वल टू dW कब रखते थे, हम ये तब रखते थे जब ये हमेशा ये जो इस केसेस में भी क्या हो गया, फॉर एनी प्रोसेस. ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फॉर एनी प्रोसेस चाहे वो रिवर्सिबल हो और इरिवर्सिबल हो, ये हम किसके लिए वैलिड होता है. लेकिन ये सिस्टम हमने इंटरनल एनर्जी ले लिया तो ये क्या हो गया, फॉर क्लोज सिस्टम ओनली, क्लोज्ड सिस्टम, ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए होगा. सिमिलरली अब अगला हमने क्या चेंज कर लिया, हमने dW के जगह चेंज करके लिख दिया dq is equal to du रखते हैं और इसके जगह अगर हम PdV कर देते हैं तो ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाता है. ये PdV कब लिख सकते हैं, जब सिर्फ प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली. और अगर सिस्टम की बात करें तो ये DU है तो फॉर क्लोज सिस्टम. और PdV भी किसके लिए होता है, सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए. therefore ये किसके लिए हम लिख सकते हैं, सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए. अब अगर हम लिखने जा रहे हैं dq is equal to TdS, dq is equal to TdS, dq is equal to TdS, तो ये किसके लिए वैलिड होता है बताइए, dq is equal to TdS हम किसके लिए लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही होता है, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही होता है. सिमिलरली अगर हम ये लिखना चाहते हैं, अभी हमने जैसे लिखा था कि TdS is equal to DU plus PdV, TdS is equal to DU plus PdV, तो ये किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड, ये TdS is equal to DU plus PdV इस केसेस में भी किसके लिए है, फॉर एनी प्रोसेस चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये इन दोनों के लिए भी वैलिड होता है. और ये किसके लिए है, फॉर अ क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात किया जा रहा है. सिमिलरली
अगर हम ये लिखते हैं कि टी डी एस इक्वल टू टी एच माइनस वी डी पी, तो ये किसके लिए वैलिड हो जाता है? ये वैलिड हम लोग रखते हैं अगेन प्रॉपर्टी, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है, फॉर एनी प्रोसेस सिंस, क्यों? क्योंकि नो पाथ फंक्शन इज इन द इक्वेशन. सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. ये हमारा समरी था जो इस सब के बारे में हमने अभी तक सीखा था. सो इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे. प्लीज नोट इट डाउन, इतना नोट डाउन कर लीजिए. ये सब सारा आपने समझ समझ करके हमने किया है, एक जगह हमने समराइज फॉर्म में कर दिया है. समराइज फॉर्म में कर दिया है. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है please note it down. I'm waiting for a minute. Okay, so I'm moving on to the next slide. इसको next पे move कर रहे हैं. अब हम represent करने जा रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को टीएस डायग्राम पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन on TS diagram. So, इसको हम लोग TS diagram पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. So, हमारे पास है TDS इक्वल टू TU प्लस PdV. अभी हमने इक्वेशन को सीखा है. तो जैसे ही वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, therefore dv will become zero. इसका क्या मतलब हो गया कि TDS equation जो बदल जाएगा वो कितना हो जाएगा, TU plus zero. और अगर TDS equation है तो TU को हम लोग लिख सकते हैं CV dt. therefore अगर हम ये कहें dt over TS, कब, जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट माना है, ये मिला है टी अपॉन सी वी, ये मिला है मुझे टी अपॉन सी वी. इन द सिमिलर फैशन अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर हम निकालना चाहते हैं कि एक और इक्वेशन है हमारे पास टी डी एस इक्वल टू टी एच माइनस वी डी पी, तो प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, डीपी विल बिकम जीरो. तो अगेन ये क्या हो गया है, टीडीएस इक्वल टू टीएच प्लस जीरो. सो टीडीएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी डीटी. यानी क्या आ गया, हम डीटी अपॉन डीएस ये निकला इक्वल टू टी अपॉन सीपी, कब, जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है.
जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो इस डायग्राम से हमें क्या रिजल्ट पता चला है, ये जो आ रहा है, ये जो टी अपॉन सी पी है, डीटी अपॉन डीएस जब वीसी, डीटी अपॉन डीएस जब पी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या है कि डीटी अपॉन डीएस टीएस डायग्राम का स्लोप बता रहा है, डीटी अपॉन डीएस पी डायग्राम का स्लोप बता रहा है। देयरफॉर अगर हम एक डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, टीएस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ये टीएस डायग्राम हो गया, तो अगर हम इस पे दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब वी जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन टीएस डायग्राम में इस तरीके का होता है, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, ये कौन सा लाइन हो गया है कांस्टेंट, ये हो जाएगा V, हाँ अभी नेम बताते हैं कौन सा है, जो ये दो लाइन है दोनों का नेचर सेम रहता है TS डायग्राम में। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में यही नेचर हुआ, ये वेरिएशन होगा। अब इन दोनों में एक है वॉल्यूम लाइन और दूसरा है कांस्टेंट, क्या ये प्रेशर लाइन है या वॉल्यूम V इक्वल टू सी लाइन है, क्या ये प्रेशर लाइन है या वॉल्यूम लाइन है, कौन सा लाइन है, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इन दोनों डायग्राम का स्लोप निकालेंगे। बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हम कैसे बोलेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, ये अगर हम इस कर्व का स्लोप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डीटी ओवर, अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, सपोज इसका हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, इसका हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, तो स्लोप विल बिकम कितना हो जाएगा, डीटी ओवर डीएस, और इसका अगर हम स्लोप भी निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डीटी ओवर डीएस। अब हम जानते हैं इन दोनों डायग्राम से आप किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, जो ज्यादा खड़ा होगा, ये ज्यादा खड़ा है यानी इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो ये स्लोप कम है। अब बताइए हमारे पास दो ही कर्व है, टी अपॉन सी बी कर्व है और टी अपॉन सी बी कर्व है, चूंकि हम जानते हैं कि सी बी इज ग्रेटर देन सी बी, देयरफॉर ये हमेशा देयरफॉर ये फॉलो होगा, सी बी ज्यादा है सी बी से, देयरफॉर दिस स्लोप विल बी मोर देन दिस स्लोप, और ये क्या है, डी टी ओवर डी एस, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब क्या मिला, इज ग्रेटर देन डीटी अपॉन डीएस, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप टीएस डायग्राम पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर लाइन का स्लोप। तो बताइए इन दोनों स्लोप में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा स्लोप है, ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू कांस्टेंट, कितना, टी अपॉन सी बी, और ये चूंकि स्लोप कम है तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू कांस्टेंट, कब, कितना हो जाएगा, T अपॉन CP। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो वॉल्यूम लाइन हो गया, और ये जो कर्व है वो कौन सा लाइन है, प्रेशर लाइन है। सो आपने ये दोनों आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेटमेंट कैन मेक अ स्टेटमेंट, वी कैन मेक अ स्टेटमेंट एज, हम क्या स्टेटमेंट एक बना सकते हैं कि एज सीपी इज ग्रेटर देन सीपी, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज greater than, is greater than that of constant pressure line. On TS
डायग्राम ऑन पीएस डायग्राम। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, ये हमने जाना है, ये हमने सीखा है, प्लीज नोट इट डाउन।